कोरोना को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 2 बजे तक की रिपोर्ट में आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए हैं। लगातार देखिए आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश के 29 जिलों में कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 3,127 हो चुकी है। प्रदेश में दोपहर 2 बजे तक 66 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। बड़ी खबर इस वक्त की, जोधपुर में 23, जयपुर में 19, चित्तौड़गढ़ में 9। जयपुर के बाद देखिए जोधपुर में ये लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोटा में 9, टोंक में 2, भीलवाड़ा में भी 2 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। अजमेर और भरतपुर में 1-1 पॉजिटिव मिले। जयपुर में आज 5 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई। अब तक सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव जयपुर में। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1,041 हो चुकी है। जोधपुर में 744, कोटा में 221, अजमेर में 173, टोंक में 136, नागौर की अगर बात करें 119, भरतपुर में 115, चित्तौड़गढ़ में 99, बांसवाड़ा में 66, झुंझुनू में 42, झालावाड़ में 41, बीकानेर में 38, भीलवाड़ा में 39, जैसलमेर में 35, पाली में 28, दौसा में 21, चूरू में 14। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। धौलपुर में 15, अलवर में 12, हनुमानगढ़ में 11, सवाई माधोपुर की अगर बात करें 8, उदयपुर में 15, डूंगरपुर में 7, सीकर में 7, प्रतापगढ़ में 4 और राजसमंद में भी 4, करौली में 3, बाड़मेर में 3, बारा में 1 कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ईरान से लौटे भारतीयों में 61 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। जी लोकेश, देखिए लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और 3,127 फिलहाल आंकड़े हो गए हैं। क्या नई चुनौतियां चिकित्सा विभाग के भी सामने हैं, क्योंकि लगातार वो लोग मेहनत कर रहे हैं और ऐसे में लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, लगातार जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें अब वो मुख्य रूप से जो चिकित्सा विभाग की जो चिंताएं हैं वो चित्तौड़गढ़ को लेकर बढ़ चुकी है। चित्तौड़गढ़ में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और वहां पर पिछले 3 दिन में ही 99 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जो बहुत बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। इस तरह बात करें तो जोधपुर में भी, अब जयपुर के बाद में जोधपुर में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है और आज भी जोधपुर में 2 बजे तक 23 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और वहां पर 744 कोरोना पॉजिटिव अब तक आ चुके हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी 19 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और 1,041 कोरोना पॉजिटिव की संख्या सामने आ चुकी है। साथ साथ एक और जयपुर में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें आज जयपुर में 5 कोरोना पॉजिटिव की मौत की रिपोर्ट सामने आई है। और साथ साथ बात करें तो जयपुर में अब तक 49 लोगों की कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है, जो सबसे अधिक आंकड़ा जयपुर में है मौतों का। और मौतों का आंकड़े की बात करें तो अब तक प्रदेश में 82 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ बात करें तो जो राहत की खबर यह है कि ये जो कोरोना से जो ठीक होने वाली संख्या की लगातार बढ़ती जा रही है और यह 1,464 हो चुकी है, यानी कि अब 1,464 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। साथ ही साथ 1,047 को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जो एक राहत भरी खबर एक और यह भी है। साथ ही बताना चाहूंगा कि जो प्रदेश में कोरोना की जो जांच रिपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक 1,35,000 के करीब जो कोरोना के जो सैंपल है वो ले जा चुके हैं। ऐसे में लगातार जो कोरोना को लेकर चिकित्सा विभाग की सक्रियता वो नजर आ रही है, लेकिन जो चिंता की बात है जयपुर जोधपुर के बाद में चित्तौड़ चिंता की विषय बढ़ता जा रहा है। अजमेर में लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और वहां पर भी 173 कोरोना पॉजिटिव अब तक मिल चुके हैं। कोटा की बात है, कोटा में भी लगातार जो कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे थे। जी जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखिए लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 3,127 संख्या फिलहाल हो चुकी है।